यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत के बाद पूरे देश में भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर के एक चाय वाले ने तो अपनी चाय फ्री कर दी है। आज वो योगी की जीत की खुशी में फ्री चाय पिला रहा है। चाय पीने के लिए उसकी दुकान पर भीड़ लग गई है। चाय फ्री में क्यों? योगी जी की जीत की खुशी में। नुकसान हो जाएगा? कोई बात नहीं, ये दिल से हम लोग कर रहे हैं, तो नुकसान और फायदे का यहाँ सोचना नहीं है। वो हिंदुत्व के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, तो हम काहे नहीं सोचे। बस अपना खुशी है जो हम जाहिर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। योगी मोदी की चाय पर मीटिंग और यूपी में सरकार सीटिंग और बुलडोजर पर सवार फिर लौटी यूपी सरकार, आज पूरे देश का आज एक ही नारा है। आज आप देख सकते हैं कि माफिया राज का अंत हो गया, गुंडा राज का अंत हो गया, परिवारवाद का अंत हो गया। आज हर तरफ जो है विकासवाद की जीत है, जातिवाद क्या क्या प्रचंड क्या 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 प्रपंडा नहीं उड़ाया गया, लेकिन तो भी भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल के इतिहास को पलट दिया। एक मिथ्या थी कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। मैं फ्री में चाय, रवि पटेल जी का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका अभिनंदन करता हूँ कि आज इन्होंने अपने दिन भर की कमाई योगी जी के खुशी में उड़ाई। इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। आज शहर के सैकड़ों युवा यहाँ देख रहे हैं कि आज चाय पीने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। रवि पटेल जी का इसलिए हृदय से स्वागत, अभिनंदन जी। आज योगी जी की जो उत्तर प्रदेश में जीत हुई है उसके उपलक्ष्य में हमारे हिंदू भाई रवि पटेल जी ने हिंदुत्व के मुद्दे को जागृत करते हुए मुजफ्फरपुर के लोगों को मैसेज देने का काम किया है, युवाओं के बीच में ये मैसेज देने का काम किया कि अगर आप हिंदुत्व के लिए काम करते हैं तो एक आदमी जो एक चाय का छोटा सा बिजनेस करता है वो एक दिन की अपनी जमा पूंजी लुटा सकता है। आप अगर बड़े हैं, ज़्यादा कमाते हैं या कम भी कमाते हैं, तो हिंदुत्व के लिए दिल से समर्पण की ये भावना जागृत करती है लोगों को। चाय ही नहीं बल्कि शहर और गांव के अलग अलग इलाकों में लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, साथ ही साथ योगी के दीर्घायु होने की कामना की जा रही है। क्या संजय जी, चाय मिला है कि पैसा लगा है? चाय तो फ्री मिला है, और ये मतलब कि भाजपा के साथ साथ जो भी युवा है, खासकर मतलब युवाओं के अंदर, जैसे रवि पटेल जी के द्वारा कल योगी जी की यूपी में शानदार जीत हुई है, तो इसी को लेकर रवि पटेल जी के द्वारा निःशुल्क चाय वितरण हुआ है, और हर युवाओं के अंदर एक अलग जोश है। जिस प्रकार यूपी सरकार में बदलाव हुई है, उस तरह मैं चाहूँगा बिहार में भी एक नया बदलाव हो और फिर से मतलब भाजपा की सरकार बने। अरे अभी तो हम 10 गो चाय पी लिए और भी चाय पियेंगे, हम चाय के बहुत प्रेमी आदमी हैं। जब मोदी जी चाय बेचे और फ्री में चाय मिल रही है और ऐसे भी हम चाय पीते हैं, लेकिन आज भाई का प्रेम है कि हम खुशी में कि योगी जी का सरकार फिर से बना है, तो हम जितना होगा उतना चाय पियेंगे, आज कोई रोक टोक नहीं है। मुजफ्फरपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही ऐसी तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।